मेरी फ्रेंड है, शाउट आउट टू बानी, शी यूज टू रीड अलॉट मेरे ऑफिस में जब मैं रेडियो में काम करता था, तो उनने मेरे को गिफ्ट करी ये किताब, कह रही यार ये पढ़ो तुम, वो किताब का नाम, और किताब ने मतलब लिटरली मेरी जिंदगी चेंज कर दिया। उसके बाद से मैं आई हैव बीन अ डिफरेंट पर्सन फ्रॉम सिंस दैट। द बुक इज कॉल्ड एंड दैट्स अ बुक आई रिकमेंड टू एवरीबॉडी, एवरीबॉडी शुड रीड इट, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। इट्स कॉल्ड द पावर ऑफ हैबिट, इट्स रिटन बाय चार्ल्स डग, एंड a lot of people consider Atomic Habits as a very good book. If you read The Power of Habit, अगर आप Power of Habit बहुत तो सही बात बोली आप, ये क्योंकि मेरा भी सेम है, ये मैं किसी को आज तक बोल नहीं पाया क्योंकि Power of Habit फेमस नहीं है। हाँ, क्योंकि Power of Habits मोटी है, उसमें इजीली नहीं बताया है। अगर आप Power of Habits पढ़ लोगे तो आपको Atomic Habits बहुत अच्छा लगेगी, आपको लगेगा कि मैं क्या सही बात है। बताऊँ कुल्लू भाई क्या बात, मैं कन्फेशन करता हूँ, मैं आज तक एटॉमिक हैबिट्स खत्म नहीं कर पाया क्योंकि मैंने पावर ऑफ हैबिट्स पढ़ी हुई है। पावर हैबिट पढ़ने के बाद पावर मैं बेच देता हूँ, पावर हैबिट मैं बहुत अच्छा सामान बेचता हूँ, पावर हैबिट बेच देता हूँ 30 सेकंड के अंदर। भाई साहब, आपकी जो भी हैबिट्स हैं, जो कि आप नॉर्मल लगाते हो, आप हैबिट्स कैसे फॉर्म करते हो, आपकी हैबिट कैसे फॉर्म होती हैबिट का लूप कैसे तोड़ना है, हैबिट को फॉर्म, कोई अच्छी हैबिट है तो उसको कंटिन्यू कैसे करना है, बुरी हैबिट है तो उसको तोड़ना कैसे, ये सारी चीजें तो एटॉमिक हैबिट्स में भी है। आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी, आप इंटरनेट सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। वो एक क्यू होता है कि क्यू, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, वो सब चीजें होती हैं, हाँ हाँ आपको हाँ लूप तोड़ना होता है, ये हाँ सब चीजें, ये सारी बुक्स होती है। पावर ऑफ हैबिट में द बुक इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। फर्स्ट इज योर इंडिविजुअल हैबिट्स, सेकंड द हैबिट एज अ सिटी और एज अ कम्युनिटी, फोर्थ इज अ आपकी नेशन वाइड क्या हैबिट है और उससे कैसे आपका आपका जीवन चेंज होता है, फोर्थ इज अ ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट, स्टारबक्स की क्या हैबिट्स है, कंपनी हाइजीन क्या है जिस वजह से वो इतने टॉप की कंपनीज है, वॉलमार्ट ने एक टाइम पे क्या हैबिट डेवलप करी थी अपने एम्प्लॉयज में जिससे उनकी सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो इट्स अ वेरी गुड बुक, जिसमें इसमें एक केस है कि वॉलमार्ट है या एक मेरे को उसका याद नहीं है नाम, एक अमेरिकन बहुत ज्यादा सुपरमार्केट है, सुपर सुपरमार्केट है बहुत ज्यादा बड़ा, उन्होंने जो है अपने कस्टमर्स की हैबिट ट्रैक करने लगी कि जो इनकी हैबिट ट्रैक करेंगे कि ये लोग क्या क्या करते हैं सुपरमार्केट में आके, इस हिसाब से इनको कूपन भेजे देंगे कि अगर ये ब्यूटी के सामान पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही तो कर रही कोई बंदी तो मतलब इसको ब्यूटी के सामान लेना है, और अगर उसने नहीं लिया तो हम अगले हफ्ते उसके घर पे ब्यूटी का कूपन भेज देंगे कि आप ले लो, तो वो ले लेगा। जैसे कोई बंदा जो है गैजेट पे या किसी भी चीज पे टाइम स्पेंड कर रहा है, रुका हुआ है वहां पे और वहां से वो चला गया, तो ये उन्होंने ट्रैक किया, तो धीरे धीरे वो लोग ट्रैक करने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे ट्रैक किया कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो आके क्या स्टॉप करती है, प्रेग्नेंट वुमेन, तो इनने कहा कि यार पता बहुत बाद में चलता है कि कोई बंदी प्रेग्नेंट है, हम तीसरे चौथे महीने में जब तक बेबी बंप नहीं दिखने लगता तब तक हम कूपन नहीं बेच पाते, प्रेगनेंसी का सामान नहीं बेच पाते, तो हमको लेट हो रहा है इन इन मार्केटिंग। तो इसने बोला कुछ डिकोड करो कि ऐसा कुछ करो कि हम वो कर लें, प्रिडिक्ट कर लें किसी की प्रेगनेंसी कि इनके कितने चांसेस है प्रेगनेंट होने के। तो हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही, जो फर्स्ट मंथ से ही, फर्स्ट 2 वीक से ही हमको पता चलता है कोई इंसान प्रेगनेंट है, तो हम उसको इस हिसाब से मार्केटिंग करनी चालू करेंगे। तो ये इनने करना चालू किया और ये लोग इसमें सक्सेस हो गए, इनने एल्गोरिथम बना लिए हैबिट्स ट्रैक कर करके जिससे ये लोग प्रेगनेंसी प्रिडिक्ट करने लगे। एक दिन इनके इनके उसमें एक आदमी आया, चिल्ला चोट करने लगा, सामान तोड़ने लगा कि तुम क्या बकवास है, कंपनी में सू कर दूंगा कंपनी को, ये क्या कर का हरकत है, ये दिस इज वेरी रॉन्ग, और ये वो। तो उसने पूछा क्या हुआ, कह रहे मेरी बेटी जो है 17 साल की है और आपने उसको सब प्रेगनेंसी की सामान भेज दिया है और बेबी का सामान भेज दिया है और पूरा आपने उसको कूपन ऐसे भेजे हुए, व्हाट इज दिस। तो ये लोग बोलते हैं कि अरे सर वो गलती हो गई, कुछ हो गई होगी, आप चले जाइए, सॉरी वॉरी बोलते हैं। वो चले जाता बंदा और वो एक हफ्ते बाद वापस आता है, वो कहता है भाई मुझे पता नहीं था, एक्चुअली माई डॉटर इज प्रेगनेंट, एंड हाउ द फक डिड यू गाइस नो, शी इवन शी डिडंट नो, Even she didn't know, how the fuck do you guys know? तो ये पावर हैबिट में पूरी ये किताब, मतलब ये किताब ऐसी है, आपको ऐसे तो किससे मिलेंगे, सिविल राइट्स मूवमेंट 1959 का अमेरिका का, इट वॉज स्टार्टेड एज अ हैबिट बिकॉज ऑफ अ हैबिट, बिकॉज रोजा पार्क जो जी थी उनने बस में चढ़ने से मना कर दिया था, और बस में चढ़ने से मना कर दिया था तो उस टाइम पे इतना ज्यादा सोशल मीडिया इतना ज्यादा चीजें नहीं थी कि वो चेंज जाएगी, बिकॉज रोजा पार्क वॉज अ पर्सन हु हैड वीक टाइज, वीक टाइज एक बोलते हैं, मैं ये बता दे रहा हूँ, वीक टाइज होता है एक जिसमें आप जिससे मिलते हो आप उससे हल्का सा बॉन्ड डेवलप कर लेते हो, इट्स अ वेरी गुड मार्केटिंग एंड नेटवर्किंग स्ट्रेटजी। तो उसमें रोजा पार्क की क्योंकि आदत थी वीक टाइज बनाने की लोगों से, तो जब सब लोगों को पता चला कि अच्छा रोजा पार्क हैज उन्होंने बस में चढ़ने से मना कर दिया, तो सबको रोजा पार्क याद आ गई, अच्छा रोजा पार्क वो बंदी है, वो बंदी है, वो बंदी। तो उस वजह से बाय दैट इवनिंग एवरीबडी इन द सिटी न्यू अबाउट दैट सिचुएशन की ऐसी चीज हो गई है। तो सिविल राइट्स मूवमेंट चालू हुआ बिकॉज ऑफ अ हैबिट ऑफ अ पर्सन, और ये किताब में इतने अच्छे तरीके से मेंशन है, ये मेरे को कभी पता नहीं चल पाता, ये किताब में मेरे को इतनी चीजें बता दी है। तो पहले रिकमेंडेशन ये किताब का बहुत बेच दिया है, इसके बाद भी कोई नहीं पढ़ रहा है तो तुम हलाल हो, तुम बेकार आदमी हो, मैं कुछ नहीं करता।